हेलो फैमिली, कान्हा कली फूड ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं इस मजेदार रेसिपी को। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 2 मीडियम साइज के बारीक कटी हुई प्याज, 1 बड़े साइज का बारीक कटा हुआ टमाटर, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 से 2.5 बड़े चम्मच हरी धनिया का पत्ता जिसको हमने बारीक कट कर लिया है। फिर हम यहाँ पर लेंगे 250 ग्राम चना, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला, 2 तेज पत्ता, 1 साबुत लाल मिर्च, 1 चम्मच जीरा। सबसे पहले हम गैस ऑन करके प्रेशर कुकर को गरम कर लेंगे। फिर इसमें हम तेल डाल देंगे। तो तेल यहाँ पे हमने 2 बड़े चम्मच लिया है। तेल को भी अच्छी तरह से गरम होने देंगे। तो तेल यहाँ पे हमारा गरम हो चुका है। तो सबसे पहले हम डाल देंगे जीरा, 1 सूखा लाल मिर्च ऐसे तोड़ के डाल देंगे। फिर हम डाल देंगे 2 तेज पत्ता। इन तीनों को हम थोड़ा सा पका लेंगे मीडियम फ्लेम पर। फिर उसके बाद हम ये प्याज डाल देंगे। प्याज को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। प्याज को फ्राई करते समय हमने गैस का फ्लेम मीडियम पर रखा है। तो अब ये प्याज थोड़ा पक गया है। तो अब हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये पेस्ट डालने के बाद प्याज को और थोड़ी देर पकाएंगे, कम से कम 1 मिनट। तो 1 मिनट हो चुका है। जैसे ही प्याज ऐसे थोड़ा सा लाल हो जाए तो फिर हम इसमें टमाटर डाल देंगे। तो अब हमें टमाटर को भी प्याज के साथ पकाना है और टमाटर को हम तब तक पकाएंगे जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। और टमाटर को भूनते वक्त भी हमने गैस का फ्लेम मीडियम पर रखा है। कुकर को थोड़ा सा कवर कर दें ताकि जो टमाटर है वो जल्दी सॉफ्ट हो जाए, सीटी ना लगाएं। हमने बिना सीटी के कवर किया है। देखिए जो टमाटर है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसमें मसाले डाल देंगे, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर जितना आपको तीखा पसंद हो। फिर हम डालेंगे धनिया पाउडर और फिर हम इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। प्याज और टमाटर को अब इन मसालों के साथ हम 2 मिनट के लिए और पका लेंगे लो फ्लेम पर। कुकर को हम वापस से कवर कर देंगे ताकि मसाले जो हैं वो जल्दी कुक हो जाएं, सीटी ना लगाएं। आप देख सकते हैं अब इन मसालों से तेल अलग हो चुका है। तो इसका मतलब कि ये मसाला हमारा अच्छे से पक चुका है। तो इन मसालों को एक बार अच्छे से मिला दें। अब इसमें हम भिगोए हुए काले चने को डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मसालों के साथ में मिला देंगे। और यहाँ पर गैस का फ्लेम हमने मीडियम पर रखा है क्योंकि हमें मसालों के साथ चने को भुनना है। थोड़ा सा इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। तो चना मसालों के साथ अच्छे से भुन चुका है। तो अब हम यहाँ पर 1.5 गिलास पानी डाल देंगे, अच्छे से मिला दें इन्हें। इसके साथ अब इसमें हम डालेंगे गरम मसाला पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार। मिला दें नमक और गरम मसाले को अच्छे से। अब हम प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके इसे मीडियम फ्लेम पर 5 सीटी आने तक पका लेंगे। 5 सीटी से ज़्यादा ना लगाएं।
तो यहाँ पर 5 सीटी लग गई। तो अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। तो कुकर यहाँ पे ठंडा हो चुका है। अगर 5 सीटी में ये चना नहीं पके तो 2 सीटी और लगा दें। लेकिन ये चना पक चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम डाल देंगे धनिया का पत्ता जो हमने कट करके रखा है और मिला दें इसे। तो इसकी जो ग्रेवी है वो ठंडी होने के बाद और भी थिक हो जाएगी, यानी गाढ़ी हो जाएगी। तो चलिए इसे सर्व करते हैं। तो सर्व करने के लिए इसे हम प्लेट में निकालेंगे और फिर इसे हम अनियन के स्लाइसों से गार्निश कर देंगे। आधा इस पे नींबू रख देंगे और यहाँ पे थोड़ा सा धनिया का पत्ता लगा देंगे। तो ये देखिए, हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस काले चने की सब्जी बनके है तैयार। बहुत ही कम समय लगता है प्रेशर कुकर में बनाने पे। तो ये हमारे मज़ेदार काले चने की सब्जी तैयार हो गई है। अगर हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हम आपसे मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।